आज हम जा रहे हैं सारनाथ। हम शायद विशाख मोर्चन पर है ना। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था ना, बनारस और बनारस की ट्रैफिक देख सकेंगे कितनी उफान पर है ये नदी, ये वरुणा। इसको प्रेमचंद चौराहा भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम सारनाथ की रोड पे आ चुके हैं। इससे आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कितना हरियाली और कितना अच्छा काम किया गया है इसको स्वच्छ रखने के लिए, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। पुराने जमाने से, बुद्ध के जमाने से ये सारनाथ है। आप यकीन करेंगे यही बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, नींव दी गई है बुद्धा के बारे में। बुद्धा ने अपने 5 लोगों को यही उपदेश दिया था, यहीं से बुद्ध की मतलब बुद्धिज्म यहीं से चालू हुआ। और इसी से देख सकते हैं कितना लोग इसको स्वच्छ बना रहे हैं। ये अच्छी चीज भी है, पेड़ पौधा देखिए चारों तरफ लगाए हुए हैं, ये कहीं देखने को मिलता नहीं है। शहर में ऐसा लग रहा है कि हम कहीं, जैसे आप देख के देखो लगेगा ना, तो जैसे लगा हम यहाँ नहीं कहीं मसूरी वसूरी जा रहे हैं। हर जगह पेड़ है एकदम पूरा अच्छा खासा। आगे सीता रसोई आ गया, आगे सीता रसोई है। अच्छा चौखंडी स्तूप यही कहीं है ना, ये रहा लेफ्ट साइड में। ये देखिए दोस्तों ये चौखंडी स्तूप है, एक मिनट थोड़ा सा आगे ले लें। ये चौखंडी स्तूप है देखिए दोस्तों, ये सामने यही सीता की रसोई है। बताया जाता है यहाँ एक दिन मैंने कोई किताब पढ़ी थी, कौन सी है वो, जयशंकर प्रसाद की है, की कौन सी, ममता, 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 उसमें ना ममता नाम की कोई औरत थी, वो बताया जाता है कि उन्होंने एक दिन के लिए हुमायूं को यहाँ शरण दिया है। और ये ASI में भी है, देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में है ये काफी अच्छा लगा दूर से। मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद है, ये हिस्ट्री, वाह अच्छा लगा। ग्लैड टू बी विजिटिंग वाराणसी एंड सारनाथ स्पेशली। So guys, friends, I told you I'm gonna show you the surprise. The surprise is still ahead of me. It's just सामने मेरे है, आप देख सकते हो, वो है ये स्टैचू ऑफ बुद्धा। यहाँ ये चीज़ एकदम यूनिक है यार, यहाँ एकदम अलग तारी अलग जैसी वाइब देखने को मिल रही, महसूस करने को मिल रही है। बहुत शांति है, भीड़ भाड़ है, यहाँ लोग आए हैं जगह जगह से, लेकिन यहाँ बहुत शांति देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ वॉट द सरप्राइज आई वॉज टॉकिंग अबाउट टू शेयर विथ यू, द स्टैचू ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ देखो कितना अच्छा है ये सब, कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने यहाँ पूरा मेंटेन किया हुआ है। और सब स्वच्छता के नाम पर भी देखो काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ। यहाँ कोई भी आकर ना अच्छा खासा देर अपना दिन व्यतीत कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, और उसको सुकून ही सुकून मिलेगा। आप देख सकते हो काफ़ी हूज है यार, ये काफ़ी मैसिव है। ये मैं पहले आया था, मुझे याद नहीं है, जब मैं 7 साल का था तब आया था, मैंने देखा नहीं था ये कब, ये पहले से बना हुआ है। अच्छा ये पहले नहीं था, नहीं पहले नहीं था। अच्छा ये सूरज जी जो हैं बता रहे हैं ये पहले नहीं बना था, ये अभी बना है। अच्छा तो मौसम भी इस समय देख सकते हो, मैं क्यों बताते हैं, देखिए इस समय एकदम फुल बदली छाई हुई है, मौसम बहुत अच्छा है इस समय, एकदम सुकूनदायक, एकदम करेक्ट टाइम पर आए हैं। और ये सब देखिए पूरा आप देख सकते हैं यहाँ, क्या बताएं, यहाँ तो फोटोग्राफी से लेकर वीडियोग्राफी सब के लिए बेस्ट जगह है। इफ़ यू वांट, इफ़ यू फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर एंड लुकिंग फॉर सम ग्रेट स्पॉट टू शॉट फॉर योर प्रोजेक्ट, दिस वुड बी, आई गेस इट वुड बी परफेक्ट स्पॉट लोकेशन। एंड दिस सरप्राइज एक्चुअली सरप्राइज मी मैन, क्योंकि मैं इसको पहले नहीं देखा था, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। वाह, वही मैं सोचा था 7 साल तक जब था तो यहाँ था क्यों नहीं, अच्छा इसको 5 साल हो गए बने हुए ये। अच्छा इसको बनवाने में ये तो बाहर के लोग दिए जो मदद जाएगी, हाँ जयपुर से आते हैं लोग कारीगर बनाने के। अच्छा तो ये बता रहे हैं एक का एक नहीं है, अलग अलग है, हाँ तीन तीन पार्ट में है ये। अच्छा तीन पार्ट में ये एक का एक नहीं है, ये अलग है, वहाँ से देखा ज्वाइंडिंग है, पैर अलग है, हाँ वहाँ से वो जो हाथ है वहाँ से, हाँ वो अलग है, हाँ उसके बाद देखिए यहाँ पे वो स्क्रॉट है पैर जैसे हाथ के हुए, हाँ वो अलग है, हाँ। उसके ऊपर सर अलग है। जयपुर से आए थे और टोटल इसको बनने में कितना साल लगा होगा, ये तो पता नहीं था। अच्छा
यहाँ देख लिया जाए, थोड़ा सा लिखा है इंग्लिश में, पढ़ लिया जाए इसको क्या है, पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन है। जैसे आप देख लो, आप लोगों को जो पढ़ना है यहीं पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। 80 फीट 9 इंच हाइट है इसकी, और ये ASI में है, इसी वजह से आप इसको देख सकते हैं कि कितना सुरक्षित और कितना स्वच्छ है, टोटली क्लीन एंड हाइजीन। ये मॉन्क्स लोगों का है क्या कुछ? वो मंदिर है। अच्छा, ये हाँ ये मंदिर है कोई। इसको भी दूर देखा जाए पहले, दूर से बड़ा अच्छा लगा दूर से देखने में। तो यार क्या बताऊँ, शॉर्ट्स अभी और जो सिनेमैटिक शॉर्ट्स होता है उसके लिए बहुत शॉर्ट लेना पड़ा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर काफ़ी स्वेट है भाई, आई एम स्वेटिंग रियली हार्ड। इतनी ज़्यादा अच्छा मौसम है, आया हुआ था कैसा और इस समय हो कैसे गया हूँ पसीने से आप देख के समझ सकते, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा ठंडे के सब वक्त। अगर आप आएंगे, अगर आप सिनेमाटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, अगर गर्मी आएंगे तो इससे भी बदतर हो सकता है। तो यहाँ एक ही मंदिर है, यहाँ ये देख सकते हैं, और आगे एक और भी मंदिर है, ये देखिए बुद्ध का स्टैचू, बड़ा खूबसूरत है यार। ये लाफिंग बुद्धा है कि क्या है भाई, यहाँ ये भी है, बड़ा अच्छा लग रहा दिखने में। तो यार दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप सारनाथ आए तो ये लेके चलिए कि 2-3 घंटा स्टे करें ना सूरज जी, कम से कम 3-4 घंटा। तो ये बता रहे हैं 3-4 घंटा यहाँ आइए तो रुकिए, क्योंकि अगर आप एक बारीक चीज़ देखेंगे ना, आप अगर ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट हैं, तो आप तो ऐसे देखेंगे, तो 2-3 घंटा लेके चलिए कि आपको यहाँ वक्त बिताना ही होगा सारनाथ में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आएँ सबसे पहले आप सारनाथ आइए, क्योंकि यहाँ आ जाएंगे तो आपका काम हल्का हो जाएगा, लगभग आप 25% तो बनारस घूम ही लेंगे नहीं, 25-30% बनारस आप घूम लिए सारनाथ आके, तो काफ़ी अच्छी है, अच्छी जगह है। लेकिन यह है ना, बहुत ज़्यादा देखने को है, मुझे तो लगा 2-1 घंटा कमी है, बहुत कम है यहाँ के लिए। तो यहाँ देखो ये सामने काफ़ी मेजमराइजिंग व्यू हुआ है, देखने से लग नहीं रहा है कि मैं वाराणसी में हूँ, शांति ही शांति है। लेकिन बहुत गर्मी हो गई है, रिकॉर्डिंग करते समय मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है रिकॉर्डिंग करते हुए, लेकिन यहाँ बहुत इस समय उमस महसूस होने लगी मुझे रिकॉर्डिंग करते करते। बरसात नहीं हो रही है, बरसात हो रही है तो वो उमस ले रही है ये, लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन है, जो भी आए ना ये आना ज़रूर है, आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी, इट्स टोटली अमेजिंग, इट गॉन अ फील यू ग्रेट। तो अब हम लोग ये सारनाथ स्टैचू ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा से जा रहे हैं यहाँ की मेन मंदिर देखने, अब मुझे मालूम नहीं वहाँ कितना ज़्यादा वक्त लगेगा। सो बाय बाय स्टैचू ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा, बाय बाय बुद्धा जी, फिर अगर हो मौका मिला तो मैं आपके यहाँ दोबारा आऊँगा चेकआउट करने, काफ़ी मुझे अच्छा लगा यहाँ सारनाथ। तो नंदी जी बनारस में आएंगे ना तो ये चीज़ आम है, गाने देखा तो समझ लो बनारस नहीं आया, कि यहाँ का म्यूजियम है। ये मंदिर है, ये टेंपल है, सारनाथ का टेंपल है, इतिहास से भी पुरानी काशी नगरी है, और काशी नगरी को पुराना करने में इतिहास में जो रोल अदा किया है वो सारनाथ भी है। यहाँ जैसे 3-4 घंटा भी रहना तो वो भी कम लगता है।